महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजु सहाय और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मजूज का गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये जो गुआ गुआ की कटिंग है, काफ़ी बड़ा कटिंग है और काफ़ी मोटा भी है, तो इस कटिंग को मैं बहुत ही इजी आप लोगों को ग्रो करके दिखाऊंगा। और इसके लिए कौन सी रूटीन हार्मोन, मैं ऑर्गेनिक रूटीन हार्मोन यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये हल्दी है और इसी से मैं इस कटिंग को ग्रो करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, ताकि बहुत ही आसानी से आप लोग गुआ भुआ की जो मोटा कटिंग है वो घर में ग्रो कर सको। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ी सी ऐसे, इसके जो साल है वो मैं थोड़ी सी ऐसे उतार लूँगा। इस तरह से आप देख सकते हो, इसका जो साल है वो मैंने उतार दिया है। और अब मैं इसको थोड़ी सी ऐसे पानी से, तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ये जो हल्दी है इसको ऐसे नीचे में, ये आप देख सकते हो नीचे भी मैंने लगा दिया है और ऊपर भी ऐसे मैं लगा दूँगा। ये आप देख सकते हो इस तरह से मैंने लगा दिया अब है। मैं क्या करूँगा, जो सॉइल है कटिंग के लिए, जो मैं सॉइल यूज़ करता हूँ वो आप लोगों को पता ही है, 50% कोकोपीट, 50% रिवर्स सैंड। ये जो सॉइल है सभी कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इजी कटिंग इस सॉइल में ग्रो हो जाता है, क्योंकि इस सॉइल में 50% मैंने कोकोपीट लिया है और 50% रिवर्स सैंड। कोकोपीट क्या करता है, जो सॉइल है उसमें नमी बना के रखता है और नमी कटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सॉइल में नमी जो है वो बनी रहती है और पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार पानी दोगे और उसके बाद पॉलीथीन से अगर कटिंग को ढक दोगे तो दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पानी देने से ही कटिंग ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ये कोकोपीट जो है ये पानी को स्टोर रखता है। तो ये हर कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सॉइल को ऐसे यहाँ पर भर दूँगा। अब मैं इस पर पानी दे दूंगा इस तरह से। तो अब देख सकते हो, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन है इससे इस कटिंग को ढक के रखूँगा इस तरह से। ताकि जो बाहर का हवा है वो अंदर ना जा सके और कटिंग को जो है नमी मिलती रहे, तो इसी की वजह से मैं पॉलीथीन से ढक रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब ये सक्सेस हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, इस प्लांट को सांव में रखूँगा, जब तक ये अच्छी तरह से ग्रो ना हो जाए तब तक मैं इसको सांव में रखूँगा। और जब ये कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो चुका है, अब मैं इस कटिंग को आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। जो पॉलीथीन से मैंने ढका था उसको भी मैं निकाल देता हूँ बहुत ही धीरे से। तो 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकते हो,
कितनी हेल्दी ब्रांचेस जो है इसका निकल गया है। और यहाँ से नीचे आप देख सकते हो, नीचे भी काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ से आप देख सकते हो निकल गया है, बहुत ही हेल्दी ब्रांचेस निकल गया है। तो इसी तरह से अगर आप चाहो तो आप भी गुआवा की काफ़ी बड़े जो मोटा कटिंग है वो ग्रो कर सकते हो। और ऐसे ही मोटा कटिंग मैंने और भी नए तरीके से ग्रो किया था, मेरे चैनल में उसका वीडियो है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है। अभी मैं आप लोगों को इसका जो रूट है वो किस तरह से डेवलप हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ निकल के। तो सबसे पहले आप कटिंग देख लीजिए, काफ़ी सारे ब्रांचेज जो है वो निकल गया है, ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे ब्रांचेस निकल गया है। तो सभी ब्रांचेस बहुत ही हेल्दी है, और एक ब्रांच में ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो एक ब्रांच में ये आप देख सकते हो यहाँ से फूल निकल गया है, यहाँ पे यहाँ से फूल भी निकल गया है। तो बहुत ही इजी टू ये सक्सेस हो गया है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है गुआवा की बड़ा कटिंग ग्रो करना, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान है। तो रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। और ऊपर की तरफ ये आप देख सकते हो, यहाँ जहाँ से मैंने लगाया था ये ऊपर की तरफ, मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया था तो ये सूख गया, तो मुझे इस पर साफ फंगीसाइड लगा देना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया था तो ये सूख गया ऊपर की तरफ से। तो कोई बात नहीं, अगर आप इस ऐसी मोटा कटिंग ग्रो कर, जो भी कटिंग आप ग्रो करना चाहो तो उसकी ऊपर की साइड में साफ फंगीसाइड लगा देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने नहीं लगाया था। तो कोई बात नहीं, ये ऊपर की तरफ से सूख गया है लेकिन नीचे काफ़ी सारे ब्रांच जो है वो निकल गया है, तो इसी की वजह से बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो होगा। अभी मैं इसको बड़ा सा पॉट में लगाऊंगा तो 1 साल के अंदर ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसमें से काफ़ी सारे फल आएंगे, तो 1 साल के अंदर ही इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को इसको निकाल के दिखाता हूँ बहुत ही धीरे से कटिंग को, रूट जो है इसका किस तरह से डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें जो क्या है इसको निकाल देता हूँ, और बहुत ही धीरे से मुझे निकालना पड़ेगा। मेरा जो मैंने जो सॉइल बनाया था वो आप देख सकते हो, ये 50% रिफलसेंट और 50% कोको पीट, इसी सॉइल में हम मैं हर कटिंग को ग्रो करता हूँ। बहुत ही अच्छा सॉइल होता है कटिंग को ग्रो करने के लिए, इस सॉइल में नमी जो है वो बनी रहती है तो बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ बहुत ही धीरे से निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स रूट जो है वो आप देख सकते हो कितना हेल्दी रूट इसका निकल गया है, लेकिन जब मैंने खींचा था तो ये रूट जो है टूट गया, तो ये काफ़ी सारे रूट इसका टूट गया, मुझे धीरे से निकालना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये जो रूट है इससे ही ये कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, इस रूट से ही बहुत ही इजी टू ये ग्रो हो जाएगा। तो बहुत ही धीरे से निकालना चाहिए था मुझे, तो मैंने थोड़ा ज़ोर से खींचा तो जो रूट इतना सारे रूट जो है वो टूट गया, तो बहुत ही धीरे से निकालना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, इससे भी ये ग्रो हो जाएगा। तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हो, बहुत ही ईजी टू ग्रो हो जाएगा। और जो मैंने हल्दी की पाउडर लगाई थी उससे आप कटिंग को ग्रो करोगे तो क्या होगा, नीचे फंगस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।